कमलेश जी एमपी से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार अकिल साहब जी। आदाब कमलेश जी। मैं ये कह रहा था, हमारी मम्मी को लकवा हो गया और उनको 3 साल से ऊपर हो गए, दवाइयां बहुत चली हैं, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी जो अच्छा हाथ, सीधा हाथ और पैर है, वो बहुत दर्द करता है। अच्छा, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है उनको हाथ पैर में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, दर्द तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। लकवे के लिए आप उन्हें खूब लहसुन खिलाया करें, अदरक खिलाया करें खाने में। और लकवे के लिए एक बड़ा अच्छा मटेरियल भी है, इसका जैतून का सिरका, रोज़ाना रात को 3 चम्मच पानी मिलाकर उन्हें पिलाया करें। ये उस चर्बी को जो हमारे दिमाग में फंस जाती है, जिसकी वजह से हमें लकवा होता है, खून में एक मोटापन आ जाता है चर्बी के साथ, कहीं बारीक नस में फंसने से हमें लकवा फालिज वगैरह होता है। तो ये अगर आप 6-7 महीने दें तो वो चर्बी को ही ढूंढ के निकाल के बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते। दूसरा, जो दर्द होता है उसके लिए कैप्सूल टी केयर आप सुबह शाम दें, एक एक कैप्सूल बगैर चर्बी के दूध के साथ। चर्बी इनके लिए नुकसानदेह है। और आप देखिए, फ़ायदा एक भी महीने में हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने देना ताकि ये इनका दर्द पूरी तरह चला जाए। चलिए आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। कल्याणी जी हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका। यस मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कब से दिक्कत आ रही है और आपकी एज क्या है? मैम अभी तो 24 एज है मेरी और ये 3-4 साल से प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने मतलब काफी चीजें यूज की है ऐसे, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये कायम चूर्ण हुआ, कोई मतलब मैं कोई भी चूर्ण यूज करती हूँ या कोई मतलब मैं गर्म पानी डेली सुबह शाम खा के लेटती हूँ, पीती हूँ, कुछ भी मतलब मुझे फायदा ही नहीं होता है। हकीम साहब, ये वही है जो चूर्ण का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अच्छा देखिए, ये जो चूर्ण आप खाते हैं यही हमारे दुश्मन है। ये वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन हम हमेशा के मरीज बन जाते हैं। बेटा देखो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये हमारी आंतों पे एक चिकनाई होती है, लेमिनेशन होता है, ये चूर्ण उसको बिल्कुल निकाल देते हैं। अब जो लैट्रीन है हमारी आंतों से चिपकने लगती है, बस हम मरीज बन गए। ये जितने भी लोग आके कहते हैं कि त्रिफला खा लो, त्रिफला सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। त्रिफला को भी खाने का एक तरीका है, उसे पहले बादाम के तेल में भूनना होता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आंतों को उधेड़ देता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको देखिए, मैं वो बताता हूँ कि आप ठीक कैसे होंगे। कैस्टोल ऑयल रोज़ाना 1-2 चम्मच पिया करिए और उसके बाद गर्म पानी पिए। ठीक है, तो ये आके आपकी आंतों में चिकनाई सी फैला देगी और आपके फुजलात फिसल के निकलने लगेंगे, लेकिन आप ठीक होंगी काफ़ी दिन में। बेल पत्थर आ जाएगी, पत्थर बेल, तो रोज़ाना आधी पत्थर बेल और बहुत सारा पानी पीना है। पत्थर बेल खूब खानी है, बेल पत्थर भी कहते हैं, पत्थर बेल भी कहते हैं, कोविट कहते हैं इंग्लिश में, जिसका शरबत भी बनाया जाता है, खोपड़ी जैसी होती है, पीली पीली, है ना। ये खूब खाना है और बहुत दिन तक खाना है। जब बेल पत्थर ख़त्म होने वाली हो तो इसका शरबत बना के रख लें बहुत सारा, ताकि अगली फसल तक आपका ये चलता रहे, बेल पत्थर का शरबत। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको लेना है बेल पत्थर का मुरब्बा, एक कतला, एक पीस सुबह एक पीस शाम खाइए बेल पत्थर का मुरब्बा। और जब बेल पत्थर आ जाए तो रोज़ खाना है। इससे आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लगेगा। फिलहाल एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी 200 ग्राम लीजिए, और नमक जैतून 150 ग्राम लीजिए। इसके साथ पाउडर बनाइए और आधा आधा चम्मच
तीनों वक्त खाने के पहले खाया करिए, और जो कुछ मैंने बताया वो सब खाइए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये आपको दोबारा से आपके आंतों का लेमिनेशन वापस करने की सलाहियत रखती हैं जी। नेक्स्ट कॉलर एमपी से शुभान शर्मा हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी शुभान जी, बताइए, सवाल करिए। हेलो बोलिए जी, मैं अशोक नगर एमपी से बोल रहा हूँ। मेरी माँ जी को श्वास की बीमारी है जी। एज क्या है उनकी? एज है 52 साल जी। देखिए जो दवा उनकी चल रही है वो उन्हें देते रहें, उसे रोकना नहीं अभी, हो सकता है 2-3 महीने में जाके उसको कम करके करते करते छुड़ाई जाए। तो कोई भी साहब ऐसा ना करें, अपनी ख़ासतौर पर सांस के बीमार के एकदम ना रोकें, और इनका मिजाज बदलने में बड़ा वक्त लगता है, इनको बलगम कम बने, बिल्कुल बनना बंद हो जाए, कफ निकलना शुरू हो जाए, के लिए टाइम लगता है। माजून आर केयर सुबह और शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से दें, और दिन में 5 बार गर्म पानी कम से कम पिलाएं, उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपकी माता जी को फ़ायदा शुरू हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। पूरन जी स्वागत है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ, दांत में पायरिया है 2 साल, 2-3 महीने हो गए जी, दांतों में पायरिया है 2-3 महीने से। तो देखिए, एक तो मल्टीविटामिन्स की कमी हो तो रोज़ एक कैप्सूल खाएं मल्टीविटामिन्स का, इसकी वजह से भी पायरिया होता है। और स्प्रिट आप जानते हैं, स्प्रिट जो डॉक्टर रूई में लगा के वो इंजेक्शन साफ़ करता है, फिर आपके इंजेक्शन लगाता है, वो स्प्रिट आती है नीली नीली सी, वो स्प्रिट अपने क्वार्टर में भिगो के उस पर रोज़ाना लगाया करें, जहाँ जहाँ पायरिया है थोड़े मुंह लटका के रखें, अंदर नहीं जानी चाहिए, तो इससे भी आपका ठीक होना मुमकिन है जी। जैसे कि इन्होंने अपने दांतों को लेकर यहाँ पे बात की है, ये ऐसी प्रॉब्लम किस वजह से हो जाती है, क्या खाने पीने का इसमें योगदान है, या फिर कैविटी हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा हो जाती है? देखिए, मल्टीविटामिन्स कमी होती है तो मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, और दांतों में सड़न होने लगती है जी जी, जिससे अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो ज़रा सा मसूड़ा अपनी जगह से खून निकालने लगता जी, और मसूड़ों की मजबूती कम हो जाती है अगर मल्टी विटामिन ना लिए जाएं। तो एक तो मल्टी विटामिन मैंने इन्हें बताए हैं, और एक ऐसा स्प्रिट, क्योंकि ये कीटाणुनाशक होती है, अंदर नहीं जानी चाहिए, रोज़ाना 1-2 बार कॉटन में करके लगाने से उसके कीटाणु भी मर सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुंदर हरी एमपी सिवनी से मैम। ठीक है, सवाल आपका। मैम जी, मतलब पेट बहुत दिन से हो गया दर्द करता है, पूरा पेट पेट दर्द करता है जी। कुछ जांच वगैरह कराई बेटा आपने? जी सर, कोई जांच वगैरह कराई है आपने? कोई जांच कराई है आपने पेट की? कोई टेस्ट आपने कराया है क्या अभी तक? नहीं मैम, कोई टेस्ट नहीं कराया जी। नहीं मतलब कि सुनी से कराया मैम मैंने। जी मैम, तो क्या निकल के आया टेस्ट में रिपोर्ट? सब नॉर्मल बता रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, सब नॉर्मल बताया जी। ठीक है, बहुत अच्छा किया। जो लोग रिपोर्ट के बाद बात करते हैं तो हमें बड़ा इत्मीनान हो जाता है कि हम सही नुस्खा बताने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, और कोई समझदार लोग बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक आता है मुरब्बा बेल, बेल का मुरब्बा या मुरब्बा बेल के, ये कोविट का मुरब्बा इंग्लिश में कहते हैं, ये पीला पीला होता है, और ये सुबह शाम 1-1 पीस उसका खाया करें, बेल का मुरब्बा,
और जब बेल पत्ता चल पड़े तो आप बेल खाया करें और पानी खूब पिया करें, सिर्फ इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ लीजिए 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम, ये सब लेकर 100 ग्राम आप लें जैतून का रसायन, आता है जैतून का नमक भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं हिंदी में, और एस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये 100 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाना बेहतर है, आप पानी से लिया करें, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगली कॉलर है आरती एमपी से। आरती जी स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बोलिए। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जी अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे तो आपको हमारी आवाज अच्छे से आएगी, क्लियर आएगी, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम खोल के रखेंगे तो आपको आवाज नहीं आ पाएगी। आ रही है आपको आवाज मेरी? सवाल करिए, चलिए सवाल करिए। जी ठीक है आरती जी, आपने तो हमें ही कह दिया कि हमारी आवाज़ कम आ रही है, और जो भी लोग फ़ोन किया करें वो टीवी की आवाज़ बंद कम कर दिया करें और फ़ोन पर सुना करें, तो आवाज़ हमारी एंकर की बड़ी अच्छी है, सुरीली भी है और आती भी है। बहरहाल देखिए, पित्त की थैली में पथरी अगर 2 mm से ज़्यादा की है तो निकलना मुमकिन नहीं है, अगर इससे कम है तो 3 चम्मच जैतून का सिरका, 3 चम्मच जैतून का ऑयल, दो चीज़ें हैं ये, लेकर आप पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें सुबह खाली पेट, ये 1 हफ्ता पिए, अगर छोटी पथरी है तो निकलना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, आपकी पथरी का निकलना ज़रूर मुमकिन है, ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, यही कहना चाहूँगी। ऑपरेशन की तरफ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आपकी पथरी दोबारा से नहीं होगी तो ये बात तो बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि जिसको एक बार पथरी हो गई है वो बार बार होगी। अगर आप एक नुस्खा ही अपना लेंगी तो ज़रूर आपको राहत मिलेगी, आराम भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। दर्शकों ऐसे ही आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सिर्फ आपको फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है शांति जी आपका। हेलो, हाँ मैम, आपने भी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है, कम कीजिए, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए मैम। चलिए सवाल कर लीजिए। अब बोले मैम, जो कब्ज हो जाता है था उसका समाधान के लिए बोल रहे हैं जी, पेट के कब्ज। ठीक ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है पेट के कब्ज का, तो लेकिन आप अगर समझ लें, आंवला 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, सूखा हुआ आंवला, मेथी का दाना 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, ये लीजिए, और इसमें 100 ग्राम जैतून का नमक आता है, जैतून का रसायन आता है, सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, 100 ग्राम इसे मिलाकर सबका पाउडर बनाएं, आधे से 1 चम्मच सुबह खाएं, आधे से 1 चम्मच शाम को खाएं, पहले दिन से फ़ायदा होना शुरू होगा, लेकिन ये पूरा मटेरियल ख़त्म कर लें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। जी अगले कॉलर अभिषेक कुमार झारखंड से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी मम्मी है मेरे पास, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, बात कर रही है। हाँ जी करवाइए। हेलो मैडम। हाँ जी 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 नमस्कार। आदा। हाँ, मेरा उम्र है 40 साल सर। जी 15 साल से मेरा दाहिना पैर में दिक्कत था, खड़ा नहीं रह पाते थे, ज्यादा चलते थे तो बैठ जाते थे, थक जाते थे, पूरा जो नस है वो खींचने लगता था। ठीक है, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, दोनों कमर से लेके नीचे ये जो जंघा है पूरा पूरा दोनों पैर में आ गया, पूरा दर्द करता है, थोड़ा सा भी झुकते हैं उठते हैं, खाना बनाने में भी थक जाते हैं, इतना दर्द करता है।
जी जी आप कोई दवा अभी खाते तो आराम नहीं होता है। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए एक दो दवा हम आपको बता देते हैं। बेटा से कहें कि लिख लें, और लिखना ज़रूरी है। देखिए बल्कि एक रॉ मटेरियल बताते हैं, एक दवा बता देते हैं, जो भी मिले आसानी से लेकिन असली होना चाहिए वो शुरू कर दें, और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे फ़ायदा शुरू हुआ। और ये नुस्खा तमाम दवाओं पर भारी होता है। एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, काला गोंद या गोंद स्याह एक मिलता है, नकली बहुत मिलता है, मुश्किल से बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, बुरी सूरत का बहुत होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत है इसका। अगर मिल गया असली तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद, ये रॉ मटेरियल ले लें, पाउडर बना लें, और आधा आधा ग्राम, बच्चा बताएगा कितना होता है आधा ग्राम, तो आप ले लें। 100 ग्राम भी मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपका रोग ख़त्म कर सकता है। अगर ये नहीं मिले, लेना है तो असली लेना है, बहुत ही कड़वा होता है, और अगर नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, कैप्सूल टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं, इससे भी राहत आपको हो सकती है। वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में नहीं हो तो वो लगवा लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी किया करें। बेटा आपको लगवा के देगा, मुझे लगता है बेटा आपका बहुत अच्छा है और ये आपका पूरा इलाज करा सकता है।